सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिडिक्शन गुरु राहुल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के होने वाली 10th IPL मैच की, जो कि होने वाली है कोलकाता वर्सेस RCB के बीच में, यानी कि बेंगलोर के बीच में। दोस्तों, आज की मैच आप बोल सकते हो एसआरके वर्सेस विराट कोहली के बीच में आज की मैच है। दोस्तों, आज की इस मैच की हम लोग देखेंगे प्रिडिक्शन कि कौन सा टीम मैच विन करेगी, और कोशिश करेंगे एक ऐसी टीम विनिंग करने की या फिर ऐसी टीम प्रिडिक्शन करने की कि कौन सा टीम मैच विन कर सकती है आज के मैच में। सो दोस्तों, अगर आप देखोगे तो मैं लगभग हर मैच का प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। सो ज्वाइन नहीं हो तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए वो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ देख सकते हो हर मैच की विनिंग रिपोर्ट पहले ही मिल जाती है, यहाँ पर मैं आपको देता हूँ। उसके साथ साथ पिच रिपोर्ट, टीम रिपोर्ट, प्लेइंग 11, कन्फर्म प्लेइंग 11 के साथ साथ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, जो कि एक विनिंग टीम बनाने के लिए जो हेल्पफुल होती है, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाती है। सो ज्वाइन कर लो। और फैंटेसी की ड्रीम 11 और हेड टू हेड ग्रैंडिंग टीम भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नहीं लिंक वर्क कर रहा है तो यहाँ पर आइए, प्रिडिक्शन गुरु राहुल सर्च कीजिए, जो कि आपको हमारे YouTube चैनल का नाम है, सेम YouTube चैनल का नाम यहाँ पे आप लोग आके सर्च कीजिए, प्रोडिक्शन गुरु राहुल। दोस्तों, इतना सर्च करने से ना आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, आपको ऊपर में चैनल मिलेगा एक, ये वाला, सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाना। और दोस्तों, प्रोडिक्शन तो हम लोग करेंगे कि कौन सा टीम मैच विन करेगी, और अगर आप लोग प्ले करना चाहते हो ऐसे एप्लीकेशन में जिसमें वैसे आपको प्रोडिक्शन करना हो कि कौन सा टीम मैच विन करेगी, ओनली कौन सा टीम मैच विन करेगी, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिंक दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक एप्लीकेशन का लिंक होगा, सबसे नीचे जाना और पिन वाले ऑप्शन पर जाओगे तो यहाँ पर आपको 3-4 एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर में ही। ओके, ज्वाइन कर लेना, PGR कोड यूज़ कर लेना, जिससे आपको 10 रुपये का बोनस मिल जाता है PGR कोड यूज करने पे। ओके, तो आप लोग आइए एक बार चेकआउट कीजिए। बात करते हैं और प्रेडिक्शन करते हैं आज के विनिंग टीम की। सो आज की अगर मैच की बात की जाए तो जैसे कि आपको पता है किसके बीच में मैच है, आपको कोलकाता वर्सेस RCB के बीच में, और ये मैच 10th मैच है। और दोस्तों, विराट कोहली बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप देखा जाए KKR के विरुद्ध जब भी मैच हुई है तो विराट कोहली ने 725 रन अकेले मारा है, और यहाँ पर इनका स्ट्राइक रेट भी कम नहीं है। यहाँ पे अगर इनका स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 40.28 एंड 107 के आसपास, 130 के आसपास इनका स्ट्राइक रेट चला है, मतलब कि विराट कोहली बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहा है, खासकर यहाँ पे कोलकाता के विरुद्ध में। यहीं पे अगर बात की जाए तो पिच कंडीशन की, सो दोस्तों पिच कंडीशन की अगर बात की जाए तो पिच कंडीशन से पहले हम लोग पिच देखते हैं कि कौन से पिच पर मैच होने वाली है। तो चिन्नेश्वरम स्टेडियम चेन्नई, दोस्तों चेन्नई का पिच तो आपको याद ही होगा, पिछला मैच जो उस पर हुआ था बहुत ही कम रन इस पर देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम रन मिलती है, और आप बोल सकते हो कि लोएस्ट स्कोरिंग पिच है ये, बॉलिंग फ्रेंडली पिच है। एंड इस पिच की खासियत ये है कि अगर आप देखोगे तो 162 इसका एवरेज है, इतना तक इसमें लगता है। पिछला अगर 4 मैच को देखोगे तो जो कि चेन्नई में हुई है, तो अगर पिछला कुछ 4 मैच को देखोगे तो दोस्तों रिकॉर्ड ऑफ चेसिंग की बात की जाए तो यहाँ पर चेसिंग करने वाला टीम वन नहीं कर रहा है, एक वन किया है और 3 लॉस किया, 4 में से एक वन और 3 लॉस। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिच पे अगर आपको विन करना है, सो इस पिच पे अगर आपको वन करना है तो सिंपली क्या है, मैच तक का वेट करो, टॉस तक का वेट करो, देखो कौन सा टीम पहले बैटिंग करती है, क्योंकि इस पिच में लास्ट में बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। सो आप लोग ऐसे भी प्रिडिक्शन कर सकते हो कि जो टीम सेकेंड बैटिंग करेगी वो टीम लॉस करेगी, क्योंकि रेशियो देख सकते हो, रेशियो 3-1 का रेशियो है, 3 में से एक मैच ही मात्र विन करती है और एक मैच यहाँ पे विन की हुई है। सो आज के मैच में लॉस करने के ज़्यादा चांसेस है। अब यहीं पे बात की जाए हेड टू हेड या फिर ओवरऑल की, कि यानी कि दोनों मैच कितने बार टकराए हैं तो कितना मैच कौन से टीम मैच विन की है, दोनों के बीच में इस ओवरऑल अगर बात की जाए तो 27 मैच हुए हैं, 27 मैच में से 12 मैच बेंगलोर ने विन किया और कोलकाता ने 15 मैच। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो कोलकाता ज़्यादा मैच विन कर रही है, मतलब 27 में से 15 मैच कोलकाता ने विन किया है और 12 मैच यहाँ पर विन किया है बेंगलोर ने, और आपको तो बेंगलोर का इतिहास पता ही होगा। सो यहाँ पे कोई बड़ी बात भी नहीं है, हारा हुआ जीता हुआ मैच भी पिछले कुछ साल में ये लोग हार जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस हिसाब से यहाँ पर रेशियो बेंगलोर की कम है कोलकाता के खिलाफ। अब एट अ नेचुरल वेन्यू की अगर बात की जाए, मतलब कि सेम पिच जो कि आज हो चाहिए एम चिन्नेश्वर स्टेडियम पर, ये लोग 6 बार टकराए हैं और 6 बार में से यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 4 बार विन किया है और कोलकाता नाइट राइडर ने 2 बार। सो आप ऐसा कर सकते हो कि जब भी लोएस्ट स्कोरिंग पिच होती है या फिर इस पिच पे मैच होती है तो 4 में से 2 मैच कोलकाता विन करती है, और 6 में से 4 मैच
आरसीबी विन करती है और दो मैच यहाँ पे कोलकाता। सो दोस्तों यहाँ पे इसके हिसाब से यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर्स की रेशियो ज़्यादा है। और फाइनल विचार पे आते हैं कि कौन सा टीम मैच विन कर सकती है। सो मेरे अकॉर्डिंग आज आरसीबी टू विन द मैच, यानी कि आज का मैच आरसीबी विन कर सकती है। मेरे अकॉर्डिंग आज का मैच आरसीबी विन करेगी। वैसे आप लोग चेकआउट कर लेना, एंड फाइनल अपडेट यही है कि मेरे अकॉर्डिंग आज आरसीबी मैच विन करेगी। बट हाँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी एक प्रेडिक्शन ही करता हूँ सब रिपोर्ट के अनुसार, और मैं भी कभी कभी गलत हो जाता हूँ। सो आप लोग आइए यहाँ पे, ओके यहाँ पे आइए और वोट कीजिए, पर डे वोट कीजिए। और यहाँ पे आप लोग आइए, जिस पे ज़्यादा वोट होगा आप समझो वही टीम विन करेगी। क्योंकि क्यों, यहाँ पे आप सब मिलके वोट करते हो और आप लोग ही वोट करते हो, और जिस पे ज़्यादा वोट होगा समझो वही टीम विन करेगी, क्योंकि आप सब मिलके इसमें वोट करते हो। तो आइए ज्वाइन कीजिए, वोट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। एंड हाँ, अगर आप लोग प्ले करना चाहते हो ऐसे एप्लीकेशन में जिसमें बस प्रेडिक्शन करना हो कौन सा टीम मैच विन करेगी, तो यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। फैंटेसी प्ले करना है तो पिन वाले पे जाना, यहाँ पर कुछ आपको फैंटेसी की भी लिंक मिल जाएगी। सो यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में, अब बताना उस पर क्या लगे और